तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि BS3 और BS4 इंजन का इंजन गवर्नर कैसे मिलता है, माइलेज भी सही दे और टर्न पिकअप भी गाड़ी का बढ़िया रहे, धुआं वगैरह भी नहीं दे, तो कैसे वो मिलेगा आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले पुराने वीडियो को कुछ देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया। तो चलिए हम लोगों ने लॉक वगैरह लगा लिया था, अब रिंग को सही पोजीशन में रखते हैं और उसके बाद अंदर को धक्का मारेंगे। तो धक्का मारकर बाद में देखेंगे कि सही पोजीशन में है रिंग या नहीं है। आप लोगों को अगर जो नहीं पता है कि सही पोजीशन में रिंग कैसे चेक करना है, धक्का मारने के बाद सही पोजीशन में रिंग रहा या नहीं रहा, तो आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, आई बटन पर जाकर वीडियो को देख लें। तो हम लोगों ने रिंग को सही पोजीशन में रख लिया, अब रिंग पुलर को लगाते हैं और इसको धक्का मारते हैं। ठीक है, ठीक है, चल ठीक। मार दिए ऐसे? हाँ मार। तो हमारा लाइनर में पिस्टन डला चुका है, तो चलिए आगे फिट करते हैं इंजन में। पहले वायल पंप फिट करेंगे, तो सबसे पहले इसमें वायल डालेंगे, वायल डालकर वायल पंप को चेक करेंगे हमारा वायल पंप न्यू वाला सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखिए वायल डाल चुके हैं और इधर से घुमाने के लिए इधर से फेंक रहा है, तो हमारा वायल पंप सही है, इसे हम लोग इंजन में फिट करते हैं। तो हमारा वायल पंप अब टाइट हो चुका है, तो इसे अब चेक करते हैं फ्री है या जाम है। तो ये देखिए हमारा फ्री नच रहा है। चलिए इसमें बाकी सारा वायल पंप में बाकी चीज़ कस लेते हैं। तो अब हम लोग वायल पंप पिनियम कसेंगे, तो सबसे पहले वायल पंप का चाबी लगा लेते हैं जिसे की बोलते हैं। चाबी लगाने के बाद हम लोग वायल पंप पिनियम को इंस्टॉल करेंगे। हमारा ब्रैकेट कचा चुका है, स्प्रिंग लग चुका है गवर्नर स्प्रिंग, हमारा गवर्नर तो पिछले ही वीडियो में कस चुके थे, तो अब चलिए इसमें लगाते हैं। ये देखिए हमारा फ्री घूम रहा है वायल पंप, ये हमने कर दिया की को इंस्टॉल, अब करेंगे पिनियम को इंस्टॉल। तो जल्दी 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 से कस लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो हमारा की लग चुका है फाइनली। तो सबसे पहले हम लोग पिनियम वायल पंप पिनियम लगाने से पहले वायल पंप पिनियम को हम लोग अच्छी तरीके से वायल से गीला कर लेंगे, तो चलिए इसे गीला करते हैं। तो ये देखिए हमारा वायल पंप पिनियन गीला हो चुका है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, अंदर में जो बॉल बेरिंग या बॉल रहता है जो फ्री हो चुका है। तो ये हमारा कसाने के लिए रेडी है, ये चला गया वायल पंप के अंदर। तो चलिए अभी से टाइट करते हैं।
तो ये हमारा वाल पंप पिनियन फाइनली टाइट हो गया है। चलिए इसे अब घुमाकर भी देख लेते हैं, फ्री नच रहा है या नहीं नच रहा है। ये हमारा फ्री नच रहा है, नचने में कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, वाल पंप भी फ्री है, आपका गवर्नर भी सही काम कर रहा है। तो चलिए अब इसमें मिलाते हैं टाइमिंग को। टाइमिंग मिलाने के बाद हम लोग मिलाएंगे इंजन गवर्नर को। तो केम साफ्ट लगाने से पहले आरसी लीवर इंस्टॉल कर लेते हैं और आरसी लीवर को अच्छी तरह इंस्टॉल करें, टूटे फूटे ना। तो चलिए अब केम लगाते हैं। तो सबसे पहले कनेक्ट में टाइमिंग पोजीशन को टाइमिंग पोजीशन में ले आए और उसमें किसी किसी आपको क्रैंक में टाइमिंग पोजीशन देखने को नहीं मिलेगा, जो इसमें देखने को मिल रहा है ये लकी टाइप का आपका टाइमिंग पोजीशन है, ये टॉप पे है, ये दिख रहा होगा आई होप। तो अब केम इंस्टॉल करते हैं। केम में भी आपको एक बिंदु टाइप का रहेगा जो कि मैं वीडियो में अभी दिखाता हूँ। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये हमारा केम लग चुका है, ये देखिए आपको विंडो टाइप का दिख रहा होगा और ये क्रैंक में लकीर टाइप का है एक। तो ये है आपका टाइमिंग पोजीशन, अगर जो किसी में लकीर ना रहे तो आप टॉप पे करके ये जैसा कि डाला गया उसे डाल लो। तो चलिए हम लोग ने तो पहले ही गवर्नर कस चुके थे पिछले वीडियो में ही, तो अब इसे मिलाते हैं यानी कि एडजस्ट करते हैं कौन सा पोजीशन कितना पे रहेगा। चलिए एडजस्ट करके उसके बाद वीडियो में मिलते हैं। तो ये देखिए हमारा गवर्नर एडजस्ट हो रहा है, ये ज़्यादा भी एक्सीलेटर खुला हुआ है, इसका हल्का आरपीएम यानी एक्सीलेटर को कम करना है। आरपीएम तो नीचे वाला बोल्ट है, ये हल्का एक्सीलेटर को कम कर दें हम लोग। तो ये थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, इसे हल्का सा और खुलवाते हैं। ये देखिए हल्का एक्सीलेटर खुला हुआ रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ये हल्का रहना चाहिए, जो फिर मिल जाता है ये एक मिनट में दिखाता हूँ। हाँ तो ये देखिए ये फ्री मूवमेंट जाने के बाद ये हल्का सा एक्सीलेटर लेना चाहिए जो लास्ट में ले रहा है, ये हो गया फ्री पोजीशन आपका, और ये हल्का सा लेना चाहिए, ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो आपका इंजन समय से पहले ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अब आरपीएम मिलाते हैं। आरपीएम मिलाते वक्त एक चीज़ का ध्यान दें दोस्तों, ये जो आरपीएम बोल्ट जैसे कि हम यहाँ पर टाइट करेंगे या लूज करेंगे तो ये यहाँ पर सटा हुआ रहना चाहिए, सटा हुआ रहेगा तो आपका सही रहेगा आरपीएम, कम तेज इंजन चाल नहीं होगा, एक चाल में रहेगा। तो ये देख लीजिए जैसा कि एरो में दिखाया जा रहा है, ये इसमें चिपका हुआ रहना चाहिए नट में, तो हम लोग इसे चिपका देंगे। फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो में दिखा दिए एरो के माध्यम से। तो हमारा गवर्नर एडजस्ट हो चुका है, अब हम इसमें आरसी लीवर को टाइट करेंगे। ये देख लीजिए वीडियो में, ये देखिए चिपका हुआ है, बिना एक्सीलेटर का चिपका हुआ रहेगा, इसमें फ़िलहाल एक्सीलेटर लिया हुआ है, बिना एक्सीलेटर का चिपका हुआ रहेगा वो। चलिए आरसी लीवर टाइट करते हैं और आरसी लीवर में फिर फ्री प्ले देखेंगे। तो हम लोगों ने एचपी पे में सिम वाशर को इंस्टॉल कर दिया है, उसके बाद बोल्ट को भी इंस्टॉल कर दिया है, अब उसे हम लोग टाइट करते हैं। तो चलिए वीडियो में जल्दी जल्दी उसे टाइट करते हैं और आगे देखेंगे कि वो एडजस्ट कैसे होता है। तो फिर हमारा फाइनल एचपीपी टाइट हो चुका है, तो इसे चलिए अब हम लोग आरसी लीवर को चेक करते हैं टाइट करके फ्लिप प्ले है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले ही आरसी लीवर टाइट कर दिया है, तो इसे खोलते हैं। ऊपर नीचे का पूरा पूरा स्टॉप कर, छोड़ स्टॉप का, स्टॉप वाला उठा ना, उठे ही हाँ उठा, इन्हें हाथ से उठा था, आरसी लीवर का हाथ से उठा, फाइनल है ना, हाँ ठीक, चाप छोड़, एक्सीलेटर ले पूरा, फ्री प्ले देख, लेना है एक ठोप नया, हाँ प्ले एक ठोप नया, उस समय प्ले हले ना, प्ले हले वो लोग बोला बारे में उलट। हमारा आरसी लीवर में एक ठो प्ले नहीं है, इसे हल्का सा प्ले करते हैं, हल्का प्ले रहना चाहिए, प्ले नहीं रहेगा तो आपका इंजन रेस हो जाएगा। इसे हल्का प्ले देखिए ला दिए हैं हम लोगों ने, ये आपको आई होप वीडियो में दिख रहा होगा।
तो हमारा आर्च लीवर टाइट हो चुका है। अब चलिए पीटीओ कवर टाइट करते हैं वॉइस सील लगा कर।